हेडिंग प्रसंग 10 के व्याख्या नंबर 1 तुसी ठीक हो ना आओ किते घूम फिर आइए। सच्ची मैं ता तंग आ गई हां जिंदगी दी रूटीन तो। उंज जे तुसी आराम करना ता मैं कल्ली ही जा आउंदी हां। प्रसंग ए शब्द कथा कहानी कहानी संग्रह विच संग्रहित प्रेम प्रकाश दी कहानी बच्चे दी शरारत विच ले गए हन। ए शब्द मिसेस सूरी अपने पति नू उदो कहंदी है जदो ओ चिट्ठी लिखण वाले अपने आशक नू उसदी दसी थां मिलन लई जाण लई तैयार होई हुंदी है ते बहाने नाल घरों निकलना चाहुंदी है। व्याख्या मिसेस सूरी ब्लड प्रेशर दी दवाई खा के लेटे अपने पति नू उसदा हाल चाल पुछदी होई कहंदी है कि जेकर ओ ठीक महसूस करदा है तां ओ किते बाहर फिरन तुरन लई चल पैण क्योंकि ओ घर दी इक सार जिही जिंदगी तो पेज नंबर 52 तंग आई हुई है। जेकर ओ आराम करना चाहुंदे हन ता बेशक करे रहन ते ओ इकल्ली ही किधरे कौम फिर आउंदी है। नंबर 2 क्यों क्यों कीती ए शरारत तुसी आके ओ सराणे च मुकिया मारदी हुई ओदे च मुंह खुबा के रोन लग पई। प्रसंग ए शब्द कथा कहानी कहानी संग्रह विच संग्रहित प्रेम प्रकाश दी कहानी बच्चे दी शरारत विच ले गए हन। ए शब्द मिसेस सूरी अपने पति नू ओदो कहंदी है जदो ओ उसदा दसदा है कि उसने उसदा मौजू बनाउण लई उसनू चिट्ठी लिखी सी। व्याख्या मिसेस सूरी नू पति द्वारा चिट्ठी लिखण दी हरकत उत्ते बहुत गुस्सा आया। ओह निडाल जई होई पुछ रही सी कि उना ए शरारत क्यों कीती ते ए पुछदी होई कि ए बुरी तरह रोण लग पई। असल विच इस समय उसनू चिट्ठी प्राप्त करके अपनी खूबसूरती ते जवानी संबंधी अपने मन उत्ते उठे पावा दा कान होया जापया। उसनू दुख इस गल दा नहीं सी कि उसदा मौजू बनिया है सगो इस गल दा सी कि उसनू चिट्ठी उसदे पति ने क्यों लिखी किसे श्याम ने क्यों नहीं लिखी।